नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या प्रधान। खास बात कार्यक्रम में आज हम हाजिर हैं मेयर ज्योति खंडेलवाल के साथ। मेयर ज्योति खंडेलवाल एचबीसी न्यूज के खास कार्यक्रम खास बात में चर्चा करेंगी जयपुर पर, जयपुर नगर निगम पर, राजस्थान की राजनीति पर और कांग्रेस पर। साथ मौजूद हैं जयपुर की महापौर ज्योति खंडेलवाल। आज हम उनसे जानेंगे जयपुर शहर के बारे में और उनकी राजनीति के बारे में। मेयर साहब, सबसे पहला सवाल आपका, जयपुर की जनता के लिए जवाब देना चाहे तो आप इसका जवाब दें कि वर्तमान स्थिति जो है जयपुर शहर की, उसको लेकर आपका क्या कहना है नगर निगम की खासतौर पर। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगी प्रधान जी आपको कि ये जयपुर की जनता का जनादेश है जिसमें उसने बीजेपी और कांग्रेस को मिला जुला जनादेश दिया है। बोर्ड में उसने मेजोरिटी बीजेपी को दी है, लेकिन चूंकि इस बार ये पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन था तो मेयर के रूप में उन्होंने कांग्रेस को अपना बहुमत जो है वो दिया है। तो निश्चित रूप से जो जनता का जनादेश है उसका हम सबको सम्मान करना चाहिए और उस सम्मान के को ध्यान में रखते हुए ही नगर निगम में एक विशेष परिस्थिति है जिसमें ये कहा जाए कि बीजेपी और कांग्रेस को अपनी राजनीतिक गतिविधियों से या राजनीतिक प्रक्रियाओं से या राजनीतिक सोच से ऊपर उठ करके जनता के विकास के लिए प्रयास करने चाहिए। जनता को मतलब सिर्फ विकास से है, ऐसे में विकास की बात अधूरी रह जाती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टों के बीच में पिसती है जनता, क्या कहेंगे? मैं इस बात से नहीं सहमत हूँ। मैं ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी ने जरूर अपना रोल जो है, जो बोर्ड में उनका पक्ष का जो रोल होना चाहिए था उस रोल की जगह उन्होंने विपक्ष का रोल निभाया है और उनका एकमात्र एजेंडा विरोध का जरूर रहा है। लेकिन इन विषम परिस्थितियों में चूंकि जनता का सहयोग मुझे मिला, जनता का साथ मुझे मिला, इसलिए मैंने ये प्रयास किए कि नगर निगम में जो है स्थितियों में सुधार आए। आप पहले के 3 साल पहले के नगर निगम की वर्किंग को अगर देखेंगे तो यहाँ जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों को चक्कर लगाने पड़ते थे। आज उस सिस्टम को हमने सुधारा है। निश्चित रूप से 15 साल 20 साल का बिगड़ा हुआ जो ढर्रा था उसको सुधारने में समय लगता है, लेकिन मैंने जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को समझते हुए नगर निगम के इस सिस्टम को पूरी तरीके से सुधारने की कोशिश की है। पिछला 15 साल बीजेपी का बोर्ड रहा, बीजेपी के मेयर रहे और सरकारें भी बीजेपी की रही, लेकिन एक भी उपलब्धि जो है वो नहीं बता सकते, जबकि मैं इस कार्यकाल की आपको कई उपलब्धियां जो है वो गिना सकती हूँ। यह एक सवाल कि कांग्रेस के पार्षद आप पर आरोप लगाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। कांग्रेस के लोगों ने मुझ पर कभी आरोप नहीं लगाए हैं, मैं इस बात से आपकी कार्यशैली को लेकर बोलते हैं वो अक्सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कांग्रेस के जो हमारे पार्षद हैं उन्होंने मेयर की कार्यशैली को लेकर के कोई आरोप जो है वो नहीं लगाए हैं, लेकिन चूंकि परिस्थितियां ही विषम है, मैं एक बात और आपको प्रधान जी बहुत स्पष्ट करना चाहूंगी कि नगर निगम का जो एक्ट है उसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई है तो वो है बोर्ड, और बोर्ड है बीजेपी का, और बोर्ड ने पावर डेलीगेट की है समितियों को जिसके अध्यक्ष जो हैं वो बीजेपी के मेंबर्स हैं। उसके बाद बारी आती है आगे की। तो अगर आपका जो सबसे शक्तिशाली जो आपका एक्ट में जो बॉडी है वो अगर काम नहीं करने चाहेगी तो परिस्थितियां विषम बनेंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है, ये भी एक जनता का जनादेश था, ये विषम परिस्थितियां मुझे मिली हैं तो मैंने इसी विषम परिस्थितियों के अनुरूप जो है काम करने की कोशिश की है। आप बीच में बात काटूंगा, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। आप कह रहे हैं कि मैंने विकास की बात की है, बोर्ड हमारा नहीं बना लेकिन कांग्रेस से मेयर हूं मैं, सारी बात आपने कही, लेकिन यहां पर उन्हें क्या तकलीफ है? कुछ पार्षद हैं जो सीएम के पास तक पहुंच जाते हैं आपकी शिकायत को लेकर, आपकी ही पार्टी के। इसके पार्षद सीएम तक मेरी शिकायत लेकर के नहीं गए हैं। उनको अगर किसी अधिकारी से अगर शिकायत है तो निश्चित रूप से अपनी बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा सकते हैं। यह हमारी सरकार है और जब हमारे ही हम निश्चित रूप से हमारी सरकार होने का हमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमको जहां पर भी अगर मुश्किल हो तो हम अपनी बात को आसानी से हमारे मुख्यमंत्री जी तक, हमारे अध्यक्ष जी तक पहुंचा सकते हैं। तो ये उनका भी अधिकार है, वो पहुंचा सकते हैं। एक और बात, यहां लगातार बात निकल के आती है कि सीईओ जो है वो टिकते नहीं है, 6 सीईओ बदल दिए गए। आप पर आरोप लगते हैं कि सीईओ के साथ आपका तालमेल नहीं बैठता। पहला तो ये कि सीईओ से मेरी नहीं बनती, ये सिर्फ और सिर्फ
मीडिया का फैलाया हुआ एक प्रचार है। आज भी जो 7 सीईओ यहाँ पर काम कर रहे हैं उनमें से 5 सीईओ के साथ काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो ललित मेहरा जी हो, आरपी जैन हो, एमपी स्वामी जी हो, एमपी मीना जी हो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। ये एक सरकारी स्तर पर होने वाली प्रक्रिया है, राज्य सरकार के स्तर पर होने वाली प्रक्रिया है जिसके तहत ये काम किया गया। जहां तक कुछ गलत हुआ है, जैसे वकीलों की नियुक्ति का मामला था, आप नहीं कर सकते, वो अधिकार क्षेत्र में नहीं है मुख्य कार्यकारी अधिकारी की, तो उस बात पर मैंने ऑब्जेक्शन किया है, सरकार को भिजवाया है, उस ऑब्जेक्शन को सरकार ने माना है और उन वकीलों की नियुक्ति को रद्द किया है। तो अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो ये बोलना जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वो अपनी संस्था में मिलाकर आप जनता के लिए बोलते हैं। और इसके अलावा मैं 7 में से 5 सीईओ से मुझे बात काम करने में मुझे कोई दिक्कत भी नहीं। लेकिन मैं एक जो दूसरा संदर्भ जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं मैं इस बात को भी मानती हूँ कि नगर निगम में जनप्रतिनिधियों की बजाय अधिकारियों को जो है अधिकार दिए गए हैं, और 74th अमेंडमेंट के तहत निश्चित रूप से राजीव गांधी जी का जो सपना था कि स्थानीय निकाय मजबूत हों, वहाँ पर जनप्रतिनिधि जो आ रहे हैं वो मजबूत हों, जिससे कि जनता की भावना के अनुरूप ये शहरी निकाय काम कर सके। तो अगर मुझे इस बात में भी अगर कमी, ये कोई आज की नहीं है, ये मैं कहना चाहूंगी तो हमेशा से 74th अमेंडमेंट जो है इतना स्ट्रांगली लागू नहीं हुआ है राजस्थान में, लेकिन अफसोस होता है कि पिछले जो मेयर्स रहे उन्होंने कभी अपने संस्था के हित के लिए आवाज ही नहीं उठाई। तो अगर मैं इस इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई हूं तो मैं मानती हूं कि मेरे परिवार की तरह है और इसके हित के लिए मुझे अपनी बात पहुंचानी चाहिए। जी, यहां पर एक सवाल, और कि जो सीईओ हैं, सीईओ से अगर बात की जाती है तो उन्हें आपसे तकलीफ होती है, वो बात स्वीकार करते हैं कि हमें तकलीफ है, इसका क्या रीजन मानते हैं कि आप पावर्स की बात आती है तो उनको तकलीफ होती है? मैं फिर आपको इस बात के लिए कहना चाहूंगी, ये फिर एक भ्रामक प्रचार है। जैसे मैं कह रही हूँ आज की 7 में से 5 सीईओ के साथ मुझे काम करने में दिक्कत नहीं है, तो आप उनसे भी बात करिए कि मेयर से उनको क्या दिक्कत है। और मैं दावे से इस बात को कह सकती हूँ कि मैंने आज तक नगर निगम के किसी भी अधिकारी को, किसी भी कर्मचारी को किसी भी गलत काम करने के लिए कभी दबाव नहीं बनाया। वो तबादले के लिए सीएम के पास या फिर चीफ सेक्रेटरी के पास क्यों जाते हैं कि हमारा तबादला करो, हमें यहां नहीं। सर, मैं बोल रही हूँ ये बिल्कुल भ्रामक प्रचार है। आप बात करिए, आप जो आरपी जैन थे, सीनियर आईएएस थे, जो मैं कहूं कि ललित मैजिक ट्रांसपोर्ट आए, आप उनसे बात, राजेश यादव की बात आती है, राजेश यादव जी की बात पे देखिए, मैं ट्रांसफर के लिए मेरा व्यक्ति विशेष से कभी कोई द्वेष नहीं रहा। उनकी वर्किंग में मैंने जैसे आपको बताया वकीलों की नियुक्ति की बात थी, वो मुझे नहीं सही लगी, मैंने उनको बोली, उन्होंने उसको नहीं स्वीकार किया, मैंने सरकार तक उस बात को भेजा। इसमें क्या गलत है? अगर कोई चीज गलत आपके सामने आ रही है तो उसको आपको उठाना पड़ता है। तो अगर इस तरह की कोई बात अगर सामने आ रही है तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व बनता था, मैंने इस बात को उठाया। उसके लिए ट्रांसफर करने के लिए ना तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है, और मुझे जहां तक पता है ना राजेश यादव जी ने कहा है मुख्यमंत्री जी को। लेकिन कोई बात, ये एक राज्य सरकार के स्तर पर होने वाली प्रक्रिया, उसे हम वहीं पर ही हमें छोड़ देना चाहिए। कार्यक्रम में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी मेयर ज्योति खंडेलवाल से चर्चा का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेयर ज्योति खंडेलवाल से चर्चा का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं कुछ और सवालों के साथ। मेयर साहब, जहां सबसे बड़ा एक सवाल और आता है, वर्ल्ड क्लास सिटी है जयपुर शहर, आपने खुद ने बात कही थी वर्ल्ड क्लास सिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन आरोप लगने लगे हैं आप पर बीजेपी से लेकर कुछ कांग्रेस के लोग भी दबी जुबान से कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास नहीं है, थर्ड क्लास सिटी बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें यही कहना चाहूंगी, विश्व स्तरीय शहर बनाने की बात माननीय राहुल गांधी जी ने शुरू की और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ाया, और हम निश्चित रूप से जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की ओर अग्रसर लगातार हो रहे हैं। जहां तक बात, मैंने अभी भी जैसे आपको बात कही कि पिछले 15 साल बीजेपी के लोगों की, तो अगर मैं बात कहूँ पिछले 15 साल उन्होंने नगर निगम में रहे हैं, वो फुल फ्लैश रहे हैं, पूरी ताकत से रहे हैं, एक उपलब्धि तो बताएं वो अपनी, एक उपलब्धि वो जरूर गिनाते हैं कभी कभी कि हम तब 9वें नंबर पे थे, 10वें नंबर पे थे, आज जयपुर शहर 230वें नंबर पर आ गया, और मैं कह रही हूँ आज जयपुर शहर फिर 5वें नंबर पर आ गया। ये नहीं होता क्राइटेरिया। आप आम जनता को 15 साल में बीजेपी ने क्या उपलब्धि दी? अच्छा, आप ही से मैं सवाल करूं अगर कि क्या उस वक्त की सफाई व्यवस्था से आप संतुष्ट थे पिछले 15 साल की? 3 साल पहले की सफाई व्यवस्था से क्या जयपुर की जनता संतुष्ट थी? नहीं थी।
लेकिन आज हमने उसमें सुधार करने की कोशिश की है, आज हमारे प्रयास हैं कि हम उसमें सुधार लेकर के आएं। और अगर आप इन दिनों की अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से जनता आपको कहेगी कि सफाई व्यवस्था में सुधार हो रहा है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत मैं तो उपलब्धियों के रूप में अगर बात करूं, गांधी एनक्लेव आवासीय योजना नगर निगम लेकर के आया लोगों की राहत के लिए, ये काम था स्थानीय निकाय का, क्यों नहीं किया गया अब तक? तो हमने शुरुआत की है एक नई तरह की। आपने अच्छी चलाई है, लेकिन सरकार के ही मंत्री कई बार बयान दे डालते हैं, कोई नगर निगम को नरक निगम तक कह डालते हैं, ऐसे में सरकार के मंत्री इस तरह से आरोप लगाते हैं आपकी ही पार्टी के, तो फिर क्या ऐसे में आपको लगता है कि बीच में इस तरह की बातें जब निकल के आती हैं तो उन आरोपों का क्या रीजन हो सकता है? आरोपों के लिए मैं नहीं जिम्मेदार हूँ, इन आरोपों के लिए बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि जो बोर्ड जो शक्तिशाली है जिसने सारे अधिकार उनकी समितियों को दिए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, सफाई समिति कहती है अगर सफाई नहीं हो रही तो वो आप क्या कर रहे हैं? आपकी लाइट समिति क्या कर रही है? सारी मुख्य समितियां तो उनके पास है, आप अवैध कंट्रोल आपके पास है, वो कहते हैं कंट्रोल आपके पास। अरे सर, कानून तो कानून है, मेरे कहने से नहीं चल रहा, ठीक है, एक्ट की किताब है, सबके लिए ओपन है, सबके सामने है कि बोर्ड ने अपनी शक्तियां समितियों को दी हैं, समितियों को अपने निर्णय मेयर तक भेजने आवश्यक भी नहीं है, तो आपको निर्णय करने और इम्प्लीमेंट करवाने, क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? जनता से आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन जनता हमेशा आरोप लगाती है मुखिया पर, यदि अगर सरकार फेल्योर होती है तो मुख्यमंत्री पर आरोप लगते हैं, नगर निगम अगर फेल्योर होता है तो मेयर पर आरोप लगते हैं। मैं जनता के सामने अपना ये पक्ष भी रखना चाहती हूँ कि मैंने उनकी जिम्मेदारियों को निभाने में पूरी कोशिश की है, पूरे प्रयास किए हैं, उसके परिणाम भी सामने हैं कि आज नगर निगम में एक बेहतर सिस्टम है, लोगों को काम करवाने में ज़्यादा सुविधा होती है, अपना काम आकर के कह सकते हैं, उनकी मेयर जो है उनकी समस्याएं सुनने के लिए अवेलेबल है, समस्याओं को दूर करने के लिए तत्पर है और विकास के लिए एक विजन के साथ एक सोच के साथ अपने जो काम है वो लगातार उनके सामने आ रहे हैं। तो मेरी मैं अपनी जवाबदेही से कहीं पीछे नहीं हट रही हूँ। बीजेपी के लिए कोई भी बात मैंने नहीं कही थी कि सफाई समिति क्या कर रही है, लेकिन जब बात प्रश्न उनकी ओर से आता है तब पलट करके जवाब देना पड़ता है, अदरवाइज तो मैं कह ही रही हूँ कि अगर यहाँ से मुझे सपोर्ट नहीं मिला तो सरकार ने एक प्राइवेट फर्म को काम सौंपा है डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने का, निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके बेहतर परिणाम जो है वो सामने आएंगे। कहीं आपका जो राजनीतिक कद बढ़ रहा है, राजनीतिक कद को बढ़ते हुए देखकर कांग्रेस के कुछ लोगों में या आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो है उनमें कोई तकलीफ है, क्या रीजन हो सकता है? सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपना, ये लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार होता है, अदरवाइज कांग्रेस में लेकर के कोई मतभेद हो ऐसा मेरा मानना नहीं। यहाँ एक बात निकल के आती है कि इन दिनों खास तौर पर अगर बात करें तो जयपुर सांसद है महेश जोशी, उनसे भी आपका टकराव है, ये बात चल रही है। देखिए बीजेपी की बात बोलने की अगर मैं बात कहूँ आपको, उनको तो अगर आप जनप्रतिनिधि हैं उनके, चाहे विधायक हों चाहे पार्षद हों, उनको अगर आप सो रहे हों सपनों नींदों में भी झकझोर करके उठाएंगे ना तो उनके मुंह से यही निकलेगा महापौर मुर्दाबाद बिना सोचे समझे। तो उनकी तो मैं क्या कहूँ, वो कुछ भी भ्रामक प्रचार जो है वो फैला सकते हैं, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं उस बात को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, मेरा टकराव उनसे नहीं था, तब भी मेरा टकराव एक अधिकारी से था, और अगर उस अधिकारी की खामियां और कमियां अगर सामने आ रही हैं तो निश्चित रूप से सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम उन खामियों को दूर करें, हमको सपोर्ट में आकर के खड़े होने की जरूरत नहीं होती। तो इसमें मैंने स्पष्ट कही थी कि अगर मैंने लोकनाथ सोनी जी पर अगर आरोप गलत लगाए हैं और वो गलत सब जांच करवाएं, गलत साबित हो जाते हैं तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर कोई उनके पक्ष में खड़े हैं तो फिर वो इस बात को दावे से कहें कि अगर ये भ्रष्ट पाए गए तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि नगर निगम का जो एक धर्रा, आप उठा के देखिए 3 साल पहले लोगों की भावना क्या थी कि नगर निगम एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, जहां बिना भ्रष्टाचार किए आप अपना कोई काम नहीं करवा सकते, तो उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई है, उसके खिलाफ जहां जहां मुझे कमियां महसूस हुई है मैंने स्पष्ट कहा है। तो मैंने जो जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसको निभाने की कोशिश की है, मेरा किसी से कोई टकराव नहीं है, कोई टकराव नहीं है। इसका रीजन ये तो नहीं है कि जयपुर शहर में जो आपकी बढ़ती लोकप्रियता है उसको देख कर के चर्चा चल निकली है कि कहीं आपकी लोकप्रियता है या कहीं सांसद महेश जोशी को लेकर कहीं ये कोई बड़ा कारण नहीं? मैं नहीं मानती ये कोई कारण है, लेकिन हाँ बीजेपी में इस बात को लेकर के निश्चित रूप से एक डर बैठा हुआ होगा, क्योंकि वो तो पहले ही कांग्रेस के रूप में मेयर की जीत को हजम नहीं कर पाए, साल दो साल तो वो हजम ही नहीं कर पाए कि ये क्या हो गया।